चलिए सभी स्टूडेंट लाइव में जुड़ जाओ, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पर सीता कुमारी, सतपाल सानी, रोहित शर्मा, बेगम, सोनी, रिशु, सन्या, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर दो ईशा शर्मा, समझ गए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दो, आज क्लास में मजा आ जाएगा सभी को, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक खास क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आज का जो है लाइव शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल एग्जाम का यह हिंदी का 100 मार्क्स का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा खास है। ये इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपको कम से कम 80+ मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है, समझिए। और एग्जाम में कुल 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको कमाल करना है। 100 मार्क्स में आपको कम से कम 90-95 मार्क्स आराम से लाना है। अब जो है एक दो दिन के बाद जो है सब्जेक्टिव क्लास भी करवा देंगे, नीचे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब करवाते चलेंगे, समझ गए। तो इसलिए एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दो। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर देना। चलिए आज का क्लास का शानदार सेशन अपन शुरू करते हैं। आपके सामने आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने वाले हैं। संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सभी सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। लेकिन आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर जो है OMR शीट के जगह पर यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, उसमें आपको शानदार तरीके से आंसर लगाना है, समझ गए। शानदार तरीके से सभी को आंसर लगाना है, किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर, लेकिन पर आपको क्या करना है कि नहीं 100 में से 90+ का आंसर लगाना है, समझ गए। कम से कम 90+ का आंसर आना जरूरी है, आप सभी के लिए खास है। एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट अपने मन से शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके। चलिए अब जो है आज का क्लास का शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लाजवाब क्वेश्चन है, गजब का आंसर भी आना शुरू हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन वन। आंख के सामने के लिए एक शब्द है, 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल्दी बताओ किसकी बात हो रहा है। आंख के सामने के लिए एक जो शब्द है, कौन सा शब्द है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर प्रत्यक्ष लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल गजब का आंसर है, ऑप्शन में ए बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कमाल करेगा, जल्दी बताओ। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है, अभिनेत्री शब्द है। तो राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में सी लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर लगाओ क्या होगा, लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शिव का उपासक कहलाता है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, किसकी बात हो रहा है। गुड इवनिंग न्यूलैंड, यहाँ पर साकी, अजय, रिशु, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर शिव का उपासक जो है ना क्या कहलाएगा, बहुत बने। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर सैब कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सी रचना तुलसीदास की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर आप क्या होगा। तुलसीदास की बात हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर आप पूरा डिटेल में बता देना जिसको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी विनय पत्रिका, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, राम बोला था, इनका माता की नाम क्या था, हुलसी, माता नाम हुलसी, पिताजी नाम आत्माराम दुबे था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है, बुद्ध और महावीर की बात हो रहा है। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो है ना कौन सा अधिकार दिया था, तो नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दो, मजा आ रहा है, एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि
पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर की गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन है ये जो है, ये कथन किनका है सबको पता है, यह पंक्ति अर्धनारीश्वर के है और यह अर्धनारीश्वर पंक्ति है उनका लेखक का नाम क्या है, दिनकर जी, जिसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी कहते हैं। इनका जो जन्म कब हुआ था, जन्म बहुत ही विशेष बात है, इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को जो है इनका मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, किसकी बात हो रहा है, अर्धनारीश्वर की बात हो रहा है। अर्धनारीश्वर जो है ना एक एकांकी है, क्या है, एकांकी, तो राइट ऑप्शन में सीखे जा साथ जाने उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का माता का नाम क्या था, मंडू देवी, और पिताजी का नाम रवि सिंह था, याद रखिएगा, और पत्नी नाम पूछे तो पत्नी नाम क्या था, श्यामावती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वाक कौन सा है, शुद्ध वाक जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जल्दी बता युधिष्ठिर का शुद्ध वाक क्या होगा, क्वेश्चन में 8 करेक्ट आंसर क्या होगा, युधिष्ठिर क्या होता है, युधिष्ठिर को होता है दिस अदा को ठीक, युधिष्ठिर राइट आंसर ऑप्शन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 9, शुद्ध शब्द, इसमें भी अध्ययन का शुद्ध शब्द पूछ रहा है, शुद्ध शब्द अध्ययन का क्या होगा, अध्ययन होता है, क्या होता है, अध्ययन, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में 9 का बहुत ही सुंदर सन्या कमाल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ममता, सुनील, साकी, नवीत, बहुत बढ़िया, सात का सात का शायद गलत आंसर बता दिए, सात का अर्धनारीश्वर एक निबंध है, समझ गए, अर्धनारीश्वर जो है ना एक निबंध है, याद रखिएगा, एकांकी नहीं होगा, निबंध होगा, समझ गए, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उनका 100% अध्ययन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में अपन 10, क्वेश्चन में 10 कहता है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारित्व की साधना किसने किया था, तो 4 ऑप्शन देगा, बराबर बताओ किसने किया था, गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सर आज कितना क्वेश्चन है, आप सबको पता है एग्जाम में जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता तो 100 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, लहना सिंह की बात हो रहा है, लास्ट में आप जो भी क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन आपको लगता है गलत है लास्ट में आपको बता देंगे। चलिए लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, क्वेश्चन में 11 राइट आंसर ऑप्शन में बी, बजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में पर 12, क्वेश्चन 12, पलटन का विसूतक कौन था, किसकी बात है, पलटन का विसूतक की बात हो रहा है, तो पलटन का विसूतक जो था हुआ था बजीरा सिंह था, कौन था, बजीरा सिंह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कविता अष्ट छाप का नहीं, अष्ट छाप की बात हो रहा है, अष्ट छाप की कविता कौन सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे उनका 100% जैसे जी की कविता जो है अष्ट छाप का नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्घत नंद रानिया में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछ रहा है इसमें जो है कौन सा अलंकार है, राइट आंसर क्या, अनुप्रास अलंकार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन में अपन 15, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास की बात की जा रही है, जल्दी जल्दी आंसर लगा, सूरदास जो है हिंदी साहित्य के जो है किस
काल के कवि है तो राइट आंसर क्या होगा, भक्ति काल के कवि है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किनके भक्त है, कृष्ण का भक्त है, याद रखिएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था तो 1478 में जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु हुआ था 1583 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया, प्रवर बताओ क्या होगा। सूरदास की रचना जो है ना सत्य सही जो है रचना नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, जिसे जीवन से विराग हो गया हो उसे क्या कहेंगे, जिसे जीवन से ही विराग हो गया हो उसे कहते हैं वितरागी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जिसकी आशा महान हो, टेस्ट कहलाता है, जिसकी आशा महान हो उसे कहते हैं, उसे महाशय कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात, लेनिन की मृत्यु की बात की जा रही है, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की बात हो रहा है, लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगर मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं हुआ है, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, मजा आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी की बात हो रहा है तो मार्क्सवादी वह कब बने थे, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर डी उनका 100% सही है, 1924 में मार्क्सवाद बने थे, वादी बने थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम किसकी बात हो रहा है, जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रहा है ना, जयप्रकाश जी की बात हो रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है, राइट आंसर क्या होगा, महिला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, किसकी बात हो रहा है, 1974 की बात हो रहा है, जल्दी से आंसर लगाओ। चलिए फटाफट आंसर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो अब्दुल गफूर थे, कौन थे, अब्दुल गफूर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपनी परिचय किस रूप में दिया था, तुलसीदास की बात हो रहा है, तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में जो है ना वह सीता के दास के रूप में परिचय दिया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और तुलसीदास की बात हो रहा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था, सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनका मृत्यु कब हुआ था, जल्दी इसको मैसेज में बताओ, इनका मृत्यु की बात हो रहा है, इनका मृत्यु जो हुआ था 1623 में हुआ था, 1623 में मृत्यु हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, इनका पत्नी नाम क्या था, रत्नावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर लगा क्या हुआ, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, यशस्वी कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताओ। ठीक है ऋषु गुप्ता, आप नहीं आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे बचाल कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, कब तुंग अम्ब अवसर पाई मैं अम्ब संबोधन किसके लिए है, अम्ब की बात हो रहा है, अम्ब जो है ना वो किसके लिए संबोध किया जा रहा है, वो जो है ना सीता के लिए संबोध किया जा रहा है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, कबुंतक के द्वारा जो किया जा रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, मुस्कान प्रजापति, ममता धीराज, रोशन राज, सुभाष न्यूलैंड, अजय, संध्या, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, तुलसीदास के मित्र की बात हो रहा है, कौन मित्र नहीं थे, तो महाराजा मानसिंह मित्र थे, तोदनमल और नभादास मित्र थे, राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है मित्र नहीं थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में अपन 28 बचपन में लहना सिंह लड़की के बारे में कौन सा प्रश्न करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लहना सिंह की बात की जा रही है। बचपन में लहना सिंह जो है ना वह प्रश्न लड़की से करता था कि तेरी कुरमाई हो गई यानी तेरी सगाई हो चुकी। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुरमाई मतलब होता है सगाई, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन आप लहना सिंह की बात हो रहा है। ये जो है किस पद की जो है किरदार है ये उसने कहा था क्या? समझ गए? उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी है लेखक का नाम। लेखक का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 29। शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी कौन सा शुद्ध शब्द है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कौन सा शुद्ध है? जल्दी होता है जोर अदगलो ध्वंसगति जल्दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है शुद्ध शब्द वाला भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, सभी क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएगा। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? जल्दी बताओ, लप्टन साहब सूबेदार जो है कितने आदमी को खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं 10 आदमी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में 31। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहना सिंह के गांव की बात हो रहा है, लहना सिंह के गांव का नाम था माझे। क्या नाम था? माझे नाम था। राइट आंसर ऑप्शन में बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में 32। क्वेश्चन नंबर 32, लहना सिंह किस पद पर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता। लहना सिंह की बात हो रहा है, लहना सिंह जो थे वह किस पद पर थे? जमादार के पद पे लहना सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। कौन विद्वान का प्रवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता। विद्वान का प्रवाची क्या होता है? तो विद्वान का जो है ना प्रवाची जो होता है वह होता है सुधी। विद्वान को सुधी, कोविद और धीर भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है विद्वान का प्रवाची नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34। कौन धूप का प्रवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ धूप का प्रवाची कौन है? अरे अभी फाइनल एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन में 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? अतप हो जाएगा, घाम हो जाएगा, भाग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। जयसिंह रत्न सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा था? किसके द्वारा सींचा था? चार ऑप्शन देगा, प्रवर बताओ। अपने आंसुओं के द्वारा सींचा गया था। राइट आंसर ऑप्शन में जयसिंह जी की बात हो रहा है। कर्बक के रचयिता कौन है? कर्बक के रचयिता मलिक मोहम्मद जयसिंह जी हैं। जयसिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1492 में जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु कब हुआ था? 1548 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है? जयसिंह जी हैं। क्वेश्चन में 36। जयसिंह जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जयसिंह जी का जो जन्म हुआ था ना वह हुआ था उत्तर प्रदेश में। कुछ पर किन कौन सा प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो सबको पता है 1492 में जयसिंह जी का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन में 37। जयसिंह किस तरह के कवि हैं? जयसिंह जी जो थे वह किस तरह के कवि थे? वो जो थे ना वो किस तरह कवि थे जयसिंह जी? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो बच्चे लगाने हैं ऑप्शन बी सूफी कवि उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? सूफी कवि, भक्त कवि और श्रृंगारिक कवि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया अजय, ममता, संध्या। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 38। कौन जल का प्रवाची है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट बताओ जल का प्रवाची कौन है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। जल को क्या कहते हैं? नीर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीर कहते हैं, तो भी कहते हैं, बारी भी कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 39। जयसिंह का जन्म स्थान कहाँ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। जयसिंह जी का जन्म स्थान की बात हो रहा है, जयसिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन में 39 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अमेठी में उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहाँ है? अमेठी में है। चलिए क्वेश्चन में 40। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन में 40 का फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा, उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है, तो क्वेश्चन में 40 का राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, अमृत सर का चित्रण है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर लगाओ, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 41, सर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं, सर के कवित को सुनकर जो है सभी क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा, सबको पता है कवित का लेखक कौन है, भूषण है, याद रखिएगा भूषण जी है, भूषण है, भूषण याद रखिएगा। अब भूषण जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट बताओ जल्दी से, ज्यादा जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन में जो सिर हिलाते हैं, सर के कवित को सुनकर सभी जो है सिर हिलाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन में जगह। और भूषण का जन्म की बात हो तो भूषण का जन्म 1613 में हुआ था, मृत्यु 102 बरस ये जिए थे, समझ गए, तो इनका 1715 में इनका मृत्यु हुआ था, समझ गए, रत्नाकर त्रिपाठी इनका पिताजी का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कर्ता कारक का चिन्ह क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 10 से 12 बार एग्जाम में पूछा गया है, समझ गए, कर्ता कारक का चिन्ह पूछ रहा है, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ना वह आता सुनने होता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने क्वेश्चन नंबर 43, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह पूछ रहा है, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है ना वह आता सुन को होता है, देखो सुन और ने होता है ना वह क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है सुन को, समझ गए। और क्वेश्चन में सवाल है करण कारक का चिन्ह क्या होता है, करण कारक की बात हो रहा है, करण कारक का जो चिन्ह होता है ना वह होता है से द्वारा होता है, क्या होता है से द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन में बी, ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, समझ गए, कर्ता की बात हो सुनने, समझ गए, और कर्म की बात हो सुन को, और करण की बात की जाए तो करण से द्वारा, समझ गए, दोनों क्वेश्चन तीनों याद रखेगा एग्जाम में पूछेगा, ये तीनों में एक दो क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होगा, संप्रदान कारक की बात हो रहा है, को के लिए जो होता है ना वो संप्रदान कारक होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बेजोड़ आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 है, सर कवित सुनकर कौन कवि में कौन सा अलंकार है, चलिए अलंकार यहां पर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं अनुप्रयास उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अलंकार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कबीर किसमें भेद नहीं करता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48, देश चीनी सैनिक भाग खड़े हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी सैनिक जो है क्यों भाग खड़े हुए थे, गजब का क्वेश्चन है, लजवाब आंसर आना चाहिए, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या, दरपोक जो है ना वो जो है डरकर भाग गए, दरपोक थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49, किम जोंग उन देश शासक है, किम जोंग जो है ना वो कौन सा शासक है, सबको पता है तानाशाह शासक कौन है, किम जोंग है, तो राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 50, नाभादास में जाति पाति एवं सर्वसर्म का खंडन किस कवि के छपाई में किया गया, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में बी लगा रहे कबीर में, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नाभादास का जन्म 1570 में हुआ था और मृत्यु 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कार्ड, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आते, ये जो है पात्रा जो है मालती जो है किस कहानी का है, तो रोज कहानी का, समझ गए, रोज कहानी का लेखक का नाम पूछता है एग्जाम, लेखक का नाम क्या था, सचिदानंद हीरानंद बसल अज्ञा जी चाक, क्वेश्चन में 51 करेक्ट आंसर जो चला रहे गैगडिन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या गैगडिन का ऑपरेशन करके लौट रहे थे, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर जो है अज्ञा जी की बात हो रहा है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च को जन्म हुआ था, 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में पर 52, स्तुति का विलोम क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, स्तुति की बात की जा रही है, स्तुति का विलोम क्या होता है, स्तुति का विलोम होता है निंदा, क्या होता है, निंदा करना, राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बने अजय कुमार, सन्या कुहू, न्यूलैंड ग्रेट,
फतमा, बहुत बढ़िया, विक्की, प्रियंका, धीराज, ममता, सुनील, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन है अपन 53, क्वेश्चन में 53 कहता है कि संध्या का विलोम क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संध्या की बात हो रहा है तो संध्या का विलोम जो होता है प्रातः होता है। क्या होता है? प्रातः। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रात का पर्यायवाची क्या होगा? रात का विलोम दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मालती के पति का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर बता। जो गैंगरीन का ऑपरेशन करके डॉक्टर जो लौटे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम महेश्वर था। क्या था नाम? महेश्वर। जो पेशे से एक डॉक्टर है, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पर 55, परीक्षा का लेने न करें। परीक्षा जो आप लोग एग्जाम देंगे वो कौन सा लिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में लगा रहे हैं बी स्त्रीलिंग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56, जी का लिंग न करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी की बात की जा रही है, जी जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं पुल्लिंग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। किसकी बात हो रहा है? ज्ञानपीठ का पुरस्कार की बात हो रहा है। आज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 57 करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी लगा रहे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है ना ज्ञानपीठ पहले ही लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पर 58, आज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? जो हाथ से लिखा जाता था पत्रिका, उसका संपादन किया था, उस पत्रिका का नाम क्या था? क्वेश्चन 58 का राइट आंसर चोर लगा रहे अनंत बंधु, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पत्रिका का नाम क्या था? अनंत बंधु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 59, मातैक्य का संधि विच्छेद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बता, मातैक्य का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? वह होता है मत जोड़ एक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है पवन का संधि विच्छेद क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवन की बात की जा रही है, पवन का संधि विच्छेद क्या हुआ? बहुत ही बढ़िया, जो बच्चे पो जोर अन लगा रहे हैं पवन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन में 61 कहता है कि कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर बताओ, चिड़िया का पर्यायवाची कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के जो साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट, निपुण जो है वह चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कौन द्रव का पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव का पर्यायवाची की बात की जा रही है, तो द्रव का पर्यायवाची जो होता है धन होता है। क्या होता है? धन, वित्त और संपदा, ये सभी जो है द्रव का पर्यायवाची नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 63, पुत्र वियोग कविता में कवित्रियों ने अपने असामयिक मित्र पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनमोल रत्न जो है उसका प्रयोग नहीं किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पुत्र वियोग की बात की जा रही है, आप लोग बताइए पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ सभी स्टूडेंट। पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। चौहान जी का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुआ था? बहुत बढ़िया, 15 फरवरी को, 15 फरवरी, वाह, 1948 को हुआ था। गजब, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में 64, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों रहा है? जल्दी बता, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो है सुना सुना रहा है उसके पुत्र के असमय निधन के कारण। समझ, उनका पुत्र जो था वो समय में उनका मृत्यु हो गया था, उसके कारण सुना सुना रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनका पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था इनका, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, सुबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्री की रक्षा के लिए किसे कहा है? सुबेदारनी ने अपनी पति और पुत्री की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का फटाफट आंसर लगा, बहुत बढ़िया, मुस्कान गच्छव का आंसर आ रहे हैं।
यथाशक्ति कौन सा समास है, किसकी बात हो रहा है, यथाशक्ति की बात हो रहा है। तो यथाशक्ति जो है ना, वह जो बच्चे ऑप्शन में सी जा रहे हैं, अद्व्ययी भाव समास है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 67, कमल नयन कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल नयन की बात की जा रही है, तो कमल नयन जो है ना वह कर्मधर समास होता है। क्या होता है, कर्मधर समास। राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 68, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, किसकी बात हो रहा है। गुड इवनिंग यूसुफ। चलिए जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, समझ मजा आ रहा है तो लाइक कर दो। लहना सिंह की बात हो रहा है, लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो जो है बैठा था बजीरा सिंह, बैठे हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन खास है आप सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी, असहाय क्यों कहती थी, राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में 69 का राइट आंसर जो बेचारा पुत्र वियोग के कारण जब हुआ अपने आप को असहाय कहते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन में अपन 70, कौन कोष का पर्यायवाची है, कोष का पर्यायवाची की बात हो रहा है। कोष का पर्यायवाची कौन है, कोष को क्या कहते हैं, खजाना को कोष कहते हैं, भंडार को कहते हैं, निधि को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाए, ये सभी को जो है कोष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, नव युवक में समास है, नव युवक में कौन सा समास है। क्वेश्चन में 70 का राइट आंसर क्या होगा, कर्मधर समास है। नव युवक जो शब्द है उसमें कर्मधर समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। तो क्वेश्चन में 72 का राइट आंसर क्या हुआ, जो बच्चे क्वेश्चन में 72 का राइट आंसर ऑप्शन में बी लगा रहे हैं, 1921 में मोह भंग हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भगत सिंह की बात हो रहा है, इनका मृत्यु कब हुआ था, 23 मार्च हुआ था, 23 मार्च 1931 को इनका मृत्यु हुआ था, समझ गए भगत सिंह का। अब भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, जन्म की बात हो तो 28 सितंबर हुआ था, 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। और एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, भगत सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 73, बहुत बने अनु भारती, क्वेश्चन में 73 कहता है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए। जल्दी बताओ, 1914 की बात हो रहा है, 1914 में जो है भगत सिंह ने गदर पार्टी से आकर्षित हुए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगत सिंह का जो है माता का नाम विद्यापति और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था, यह भी याद रखना एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 74, अंगूठी का लिंग, अंगूठी जो होता है ना, अंगूठी शब्द जो है कौन सा लिंग है, वो शब्द होता है स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, फटमा खान जी, ममता, मुस्कान, नंदन, बहुत सुंदर, कुहू, अजय, मिट्टू, नूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। चार ऑप्शन देगा प्रवर, बताओ, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर बी, सूर सागर, उनकी 110% राइट आंसर है। क्या होगा, सूर सागर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है, इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, याद रखिए वाराणसी में हुआ था जन्म, समझ गए। इनका मृत्यु की बात की तो मृत्यु जो है 15 नवंबर हुआ था, 15 नवंबर कितना हुआ था, 1937 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में अपन 76, क्वेश्चन 76 अही का पर्यायवाची नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बता, अही की बात की जा रही है, अही का पर्यायवाची कौन नहीं है। सर टेस्ट भी होगा, सतपाल सानी, आज नहीं कल टेस्ट हो सकता है, समझ गए। जल्दी सेंसर लगा, क्वेश्चन में 76 का राइट आंसर क्या होगा, लजबाब क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। किसकी बात हो, अही की बात की जा रही है, अही का जो है ना पर्यायवाची नहीं कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर डी, उनका 100% सही। क्या सिंदूर जो है नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 77, राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है। राधा का पर्यायवाची की बात की जा रही है, राधा का पर्यायवाची जो है रमा नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 78,
कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कंकाल जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन मसी हो जाएगा। और तुमुल और कला कला का लेखक कौन है? वो जयशंकर प्रसाद ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 79। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है? अमृतसर की बात हो रहा है। अमृतसर में जो है लहना सिंह के जो थे वह मामा रहते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 80। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ क्या होता है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसकी बात हो रहा है? कच्चा चिट्ठा खोलना की बात हो रहा है। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ होता है भंडाफोड़ करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भंडाफोड़ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 81। काम तमाम करना का अर्थ क्या होता है? काम तमाम करना का अर्थ होता है मार डालना। क्या होता है? मार डालना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो थे ना सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता है बजीरा सिंह को। किसको? बजीरा सिंह को भेजता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। कमीज का लिंग निर्णय करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमीज जो शब्द होता है, कमीज जो पहनते हैं वो कौन सा लिंग है? वो जो है स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 84। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? किसकी बात हो रहा है? चलिए फटाफट आंसर लगा, क्या होगा? मनुष्य का जो शरीर जो है क्यों थक जाता है? तो राइट आंसर का मन को चंचलता के कारण जो मनुष्य का शरीर थक जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये जगह लजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरज बहुत बढ़िया, सुनील भी राइट आंसर ला रहे, ममता मिथु कु। चलिए रोशन क्वेश्चन है 85। मूल कोला कला हमें तो प्रसाद जी की किस रचना से ली गई? तुमूल होना चाहिए। तुमूल कला कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? क्वेश्चन 85 का राइट आंसर जो बच्चा आ रहे कामयानी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कामयानी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। कृपा का विलोम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर होता है। कृपा का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर जो बच्चा आ रहे ऑप्शन नंबर ए उनका 100% है, कोप होता है। क्या होता है? कृपा का विलोम कोप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पर 87। करुण का विलोम क्या होता है? करुण की बात की जा रही है, करुण का जो विलोम होता है ना वो होता है निथुर होता है। क्या होता है? निथुर। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, निथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 88। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? चलिए सजल जलपात में जो है ना कौन सा अलंकार है? तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा रूपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है पर 89। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? किसकी बात हो रहा है? जगदीश चंद्र माथुर की बात हो रहा है। फटाफट बता कौन सी रचना है? बहुत बढ़िया, ओ सतानीरा। किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अब जगदीश चंद्र माथुर की बात हो रहा है, इनका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु की बात की जाए 14 मई को हुआ था। 14 मई 1978 को इनका मृत्यु हुआ था, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का था, सुमित्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी? सबको पता असहयोग आंदोलन जो है ना सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी पढ़ाई छोड़कर सुमित्रा कुमारी चौहान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। भूषण ने समुद्रगिनी से किसकी तुलना की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता। समुद्रगिनी से भूषण ने किसकी तुलना की है? तो क्वेश्चन में 91 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन में भी जब शिवाजी की तुलना किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपन 92। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? जल्दी बता, भूषण के प्रथम दंड में की बात हो रहा है, तो कौन सी रस मतलब रस है? क्वेश्चन में 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बीर रस है। क्या होगा? बीर रस का बखान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खांड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 93। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है? जगन्नाथ की बात हो रहा है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ नाथ होता है जगन्नाथ। राइट आंसर ऑप्शन में बी के साथ जो भी जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में 94। शुद्ध शब्द कौन है?
अब किसकी बात हो, शुद्ध शब्द की बात हो रहा है। शुद्ध शब्द जो है ना वह जेस्ट जो है शुद्ध शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बचेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, शुद्ध शब्द कौन सी है, यहाँ पर अधिवेशन का शुद्ध शब्द क्या होगा। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा, अधिवेशन का जो शुद्ध शब्द होता है क्या होता है, अधिवेशन होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन 96 शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ पर शुद्ध शब्द की बात हो रहा है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, अधिवेशन शुद्ध शब्द है। इसमें पुण्य का शुद्ध शब्द क्या होगा, पुण्य का शुद्ध शब्द होता है पुण्य, क्या होता है पुण्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में अपन 97, क्वेश्चन 97 भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। द्वितीय छंद की बात हो रहा है, द्वितीय छंद में जो रौद्र रस का व्यंजना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 98, प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा, रूपक अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 99, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता। चलिए फटाफट आंसर लगाओ, क्या होगा, भगत सिंह जो थे किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। क्वेश्चन में 99 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन में भी 12 वर्ष की आयु में जो है ना वह क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए और समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, इनको जो है असेंबली में बम फेंकने के कारण जो है इनको फांसी की सजा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100, अठकोना में कौन सा समास है। अठकोना की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, अठकोना की बात हो रहा है। अठ यानी आठ यानी संख्या की बोध हो रहा है, तो संख्या की बोध हो रहा है कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ गए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ आज का क्लास कैसा लगा। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। चलिए एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर दो, क्योंकि जो है अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, सभी स्टूडेंट को लाइव में बने रहना है। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देना, समझ गए, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में जुड़े रहे। चलिए टेस्ट बता देते हैं आपको, टेस्ट कैसे लगाना है, यही बात है, आप सबको टेस्ट लगाना है क्या। देखिए हम पूरा डिटेल में बता देते हैं आपको, कोई भी दिक्कत होगा आगे आपको कर देना है। 71 क्या है सुनील, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सर आप क्लास कब, आपका क्लास कब से, प्लीज रिप्लाई मी। देखिए मेरा तीन क्लास चलता है, समझ गए, तीन क्लास चलता है, एक सुबह चलता है 6:30 बजे से, सॉरी 6:45 से 8:16 वाले बच्चे का चलता है, एक क्लास चलता है रात में 8:30 बजे से, वो साइंस वाला स्टूडेंट का होता है, और जो अभी जो क्लास चलता है 6:30 बजे चलता है, शाम 6:30 बजे से हिंदी का स्पेशल बैच चलता है, समझ गए। कल से हिंदी का जो है ना क्लास में जो है सभी क्वेश्चन करवाएंगे, वो जो है सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा सभी क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए आपको बता देते हैं कहां से आपको जबरदस्त हिंदी का तैयारी करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, सभी मॉडल पेपर भी अवेलेबल कर दिया गया है, समझ गए। चलिए आपको जो है गूगल के क्रोम ब्राउजर पे जाना है, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर पे जाना है, और गूगल के क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है, क्या सर्च करना है, बिहार सेंटर सर्च कर लेना, स्पेलिंग देख लो BIHR BRCENTER आपको सर्च करना है, समझ गए, बिहार सेंटर। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, समझ गए, नीचे स्क्रॉल करके आएगा तो हिंदी में बिहार सेंटर नीचे में लिखा हुआ होगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे क्लिक करिएगा तो आपको जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है न्यू जो अभी जॉब निकल रहा है, 10th pass 12th pass जो भी न्यू जॉब निकलता है उसका यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं। आपका जो है एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, इस वाले सेक्शन में एडमिट कार्ड चेक कर 12th स्टडी में जाकर आप लोग पढ़ाई जबरदस्त कर सकते हैं।
पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया, आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है यूट्यूब का वीडियो का जो है चैनल, एक न्यूज चैनल है, उसका भी लिंक दिया गया, वहां पर आप लोग कर सकते हैं पढ़ाई, वहां पर भी कर सकते हैं, समझ गए, लिंक भेज दीजिए, समझ गए। और जो है आप लोग जबरदस्त टेस्ट इसमें लगा सकते हैं, टेस्ट इसमें इस वाले ऑप्शन में लगा सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा, देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट रहेगा, बिहार अपडेट रहेगा, और मॉडल पेपर, मॉडल पेपर सबसे बेहतरीन है आपका तैयारी करने का। यहाँ पर लोड मोड में मारना है, लोड मोड में मारने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस पर क्लिक करके एक दो सेकेंड वेट कर लीजिएगा ताकि जो है आपका पेज रिफ्रेश हो सके। उसके बाद ये खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रकार का मॉडल पेपर अवेलेबल कर दिया गया, जैसे हिंदी का हुआ, यहाँ पर केमिस्ट्री का हुआ, सभी विषय का जो है मेंटी टेस्ट वाला हुआ, सभी विषय का यहाँ पर मॉडल पेपर जो है ज्योग्राफी हुआ, सभी विषय का मॉडल पेपर अवेलेबल किया गया, समझ गए। तो आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट पेज पर करके और सारे मॉडल पेपर, इतिहास, सभी विषय का मॉडल पेपर यहाँ से अपडेट किया गया है, आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए। मॉडल पेपर वाले सेक्शन में जाकर सभी स्टूडेंट जाइए, फटाफट पढ़ाई करिए, जबरदस्त पढ़ाई करिए। अब जो है केमिस्ट्री का क्लास जो है 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, जिसका भी केमिस्ट्री है वो स्टूडेंट लाइव में आ जाइएगा, और जिसका आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उसका जो है रिजल्ट चेक होगा। चलिए रिजल्ट आपका चेक कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट का जो है रिजल्ट नहीं चेक किए थे, रिजल्ट चेक कर देते हैं, आप लोग बने रहिएगा लाइव में। उससे पहले आपको बता देते हैं टेस्ट कैसे लगाना, उसके बाद आपका रिजल्ट चेक करेंगे। आपको टेस्ट लगाने के लिए, मेंटी टेस्ट लगाने के लिए गूगल पे जाना, सर्च कर लेना बिहार सेंटर, क्या सर्च करना है बिहार सेंटर, सर्च कर लीजिएगा, यहाँ नीचे स्क्रॉल करिएगा, हिंदी में बिहार सेंटर लिखा हुआ रहेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, और ऊपर में ही आप लोग देख सकते हैं गिव ऑनलाइन मेंटी टेस्ट का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जाकर आपको टेस्ट लगाना है, इस वाले सेक्शन मोदी जी पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नीचे स्क्रॉल करने बाद यहाँ पर जो है मॉडल ट्वेल्थ हिंदी मेंटी टेस्ट 13 का लिंक दिया गया, 97 स्टूडेंट टेस्ट लगा चुके। स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेगा, अपना नाम लिखिएगा जो भी नाम है, नेक्स्ट पर क्लिक करेगा आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, इसी समय जो है अगर गलत आंसर करेगा इसी समय लिखा जाएगा गलत सही, समझ गए, और जो है अगर सही करेगा सही लिखा जाएगा, पीछे जाना प्रिंट करिएगा, आगे जाना नेक्स्ट करिएगा, और जो है टेस्ट को अगर खत्म